इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेंगलोर से। बेंगलोर में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर फेंकी गई स्याही और उनकी सभा में खूब हुई धक्का मुक्की और कुर्सियां चली। किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर फेंकी गई स्याही, प्रेस वार्ता के दौरान ये घटना हुई है। कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान खूब धक्का मुक्की हुई और राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंक कर इसके बाद आपस में ही कुर्सियां चली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान धक्का मुक्की के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। वहीं इस घटना के बाद कार्यक्रम में जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां चली, धक्का मुक्की हुई और खबरें आ रही हैं कि घटना के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये स्याही स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थकों ने फेंकी है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जब प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने राकेश टिकैत से पूछा कि किसान नेता चंद्रशेखर को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, इस पर जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस फिर क्या था। इतना ही सुनते चंद्रशेखर के समर्थक भड़क गए और राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंक दी। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थक और चंद्रशेखर के समर्थकों में बीच में खूब धक्का मुक्की हुई और एक दूसरे में कुर्सियां चली। राकेश टिकैत का कहना है कि स्थानीय पुलिस की ओर से यहां कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी, यह सरकार की मिलीभगत से किया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार टिकैत पर स्याही फेंकने के बाद उनके समर्थकों ने शख्स को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद चंद्रशेखर के समर्थक और राकेश टिकैत के समर्थक आपस में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। खूब धक्का मुक्की हुई और दोनों ओर से हाथापाई की भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकने वाले को पकड़ लिया है और उसकी पिटाई भी कर दी है और बताया जा रहा है कि उसको हिरासत में लिया गया है। लेकिन राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार की मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा यहाँ मुहैया नहीं कराई गई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।